हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने जीन पियाजे का पार्ट वन पढ़ा था, आज हम इसका पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं। जिसने भी पुरानी वो वाली नई क्लास देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर आपको एंड स्क्रीन पे इसकी पहली क्लास मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा रीजन वहां पे बताया है कि आखिर में जीन पियाजे ने ये क्यों जो है फोर स्टेजेस लेकर आए, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, क्यों इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ मैंने यहाँ पर अच्छे से बताया है। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आपने चाहे पहले जीन पियाजे पढ़ा हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आप एकदम नए हैं, क्लास के अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत तक जाते हुए आपको एक सेटिस्फेक्शन तो जरूर आएगा कि जो चीज आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है और दिमाग में एकदम छप जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जीन पियाजे इतना इंपॉर्टेंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि चाहे आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, DSSSB, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में इसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी एक या दो नहीं, कम से कम 4 या 5 पूछे जाते हैं, फिर भी हम गलत कर देते हैं, और खास करके इनके स्टेजेस से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम इनके स्टेजेस पढ़ने वाले हैं, जो कि इनके 4 स्टेजेस हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, छोटे से में ही हो जाएगा, तो हम 4 स्टेजेस पढ़ लेंगे। अदरवाइज एक और पार्ट होगा जिसमें मैं इसके 2 स्टेजेस प्लस क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, जो कि अभी तक हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो दिया हुआ, इनकी थ्योरी का नाम है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आखिर में इन्होंने स्टेज क्यों दिया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको पता है कि पियाजे ने जो है एज को, मतलब बायोलॉजिकल मैचुरेशन को, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एज के अकॉर्डिंग उनका जो ब्रेन है जो वो डेवलप होता है, तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। क्योंकि इसका स्टेजेस का एक आधार है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि आखिर में इसका आधार क्या है, तो वो है एज के अकॉर्डिंग बच्चे का जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको इन्होंने डिफाइन किया है कि 2 साल का बच्चा जो है क्या क्या चीज़ें कर सकता है, 2 से 7 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो एज के अकॉर्डिंग इन्होंने हर एक चीज़ डिफाइन की है, जो कि मैं आपको समझाने वाली हूँ एक एक टर्म्स को। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है, एक एक पॉइंट जो है जो मैंने लिखा हुआ है एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेंसरी मोटर करेंगे। आपको पता है कि इनकी जो पहली स्टेज है वो सेंसरी मोटर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जो कि है 0 से 2, मतलब जन्म से 2 साल। अब आखिर में ये सेंसरी मोटर का मतलब, नाम का कुछ तो मतलब होगा ना, तभी तो उन्होंने रखा है। तो आप देख रहे होंगे कि एक है सेंसरी, दूसरा है मोटर। आपने मोटर एबिलिटीज भी पढ़ा है, वो मैंने बताया पढ़ाया है, जिसमें मैंने 2 तरीके, एक ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। फाइन मोटर, मोटर का मतलब क्या होता है कि आप मतलब अपने मसल से कोई भी काम करते हैं, चाहे लार्ज मसल से हो, चाहे मैंने ये पेन को पकड़ा हुआ है, तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है। अगर मैं रनिंग करूंगी तो वो मेरा ग्रॉस मोटर स्किल्स होगा, क्योंकि लार्ज मसल्स उसमें यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर अभी मैं लिखते टाइम मेरे जो फिंगर्स थे मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, ये फाइन मोटर है। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चा है 0 से 2 साल का, वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो वो एबिलिटीज मतलब मोटर जो मसल्स के माध्यम से करता तो है, कोई भी काम करता है, बट वो सब कुछ जो है सेंसेस पे आधारित होता है, मतलब इंद्रियों पे, कोई चीज पकड़ के, उसको छू कर, टच करके, सुनकर, सब कुछ उसके सेंसेस पे डिपेंड होता है। तो सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 साल है, आपको नाम से अब क्लियर हो गया होगा, इसमें जो भी एक्टिविटीज होगी वो इंद्रियों पे आधारित होगी, मतलब सेंसेस पे बेस्ड होगी। अब पहला जो है आपने देखा लिखा है मैंने, एक्टिविटी जो भी होता है वो सेंसेस पे बेस्ड होता है। और कल मैंने आपको बताया था पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करता है फिजिकल वर्ल्ड में, जो आसपास की चीजें होती हैं उसके थ्रू, तो इसमें एक्टिविटी भी करेगा तो सेंसेस पे ही बेस्ड होंगी, क्योंकि नाम ही है इनका सेंसरी मोटर। अब दूसरा है कि रिफ्लेक्स एक्शंस, ये क्या होता है? देखिए, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये इसी में समाप्त भी हो जाता है, ये पूरी लाइफ नहीं रहता है। वो कैसे, इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देती हूँ। मान लो एक जो है न्यू बेबी जो है बॉर्न हुआ है, जस्ट अभी आपने देखा होगा कि उनके मतलब वो हाथ पैर, अगर आप जैसे ही अपना हाथ जो है उनके ऐसे रखोगे तो तुरंत पकड़ लेते हैं ऐसे। मान लीजिए कोई भी सामान आप जो है उनके हाथ में ऐसे रखोगे तो उनका हाथ जो है ना अपने आप बंद हो जाता है, इस वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, ये सारी चीजें खुद से होती हैं। इसीलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है, और आपने देखा होगा कि बच्चे के सामने कोई भी चीज़ आए, जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो आपने देखा होगा कि हमेशा अपना अंगूठा जो है चूसता ही रहता है मुंह में, या फिर कोई भी सामान पड़ा है आप उसको ये भी दोगे, कोई भी खिलौना, उसको तुरंत वो अपने मुंह में डालने लगता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में आता है, बट ये समय के साथ खत्म हो जाता है, इसी में खत्म भी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है किसमें एंड होता है, तो वो है सेंसरी मोटर। और इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया, ये अपने आप होता है, बच्चा जानबूझ के नहीं करता है, कोई भी चीज़ है वो तुरंत ऐसे बंद कर लेता है, चाहे अंगूठा चूसना हो या कोई भी सामान अपने मुंह में डालना हो। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन।
आप एक एक टर्म का मतलब ध्यान से समझना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बस इसे टिक नहीं करना, आपको समझ में पता रहेगा तो आप आसानी से सही कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है इमिटेशन, आपको पता है इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, और जब बच्चे जो है किसी दूसरे की नकल करते हैं इट मीन्स कि उनका जो मेमोरी है वो डेवलप हो रहा है। वो कैसे, अब मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी, आपके घर में भी बच्चे ऐसा करते होंगे। अगर आपके पेरेंट्स जो है आर्मी में है, बीएसएफ में है, पायलट में है, तो बच्चा जो है अगर जैसे कि वो जय हिंद बोल रहे हैं तो आपने देखा कई बार बच्चे वो एक्टिंग करते हैं, क्यों, अपने घर के आसपास के उनकी दादी मम्मी कोई टीचर है तो वो भी ऐसे चश्मा लगा लेते हैं, छड़ी ले लेंगे, ऐसे किताब लेके पढ़ाने लगते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है, इमिटेशन होती है। तो वो बच्चा ये कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बस बेफिजूल कर रहा है, उसकी जो मेमोरी है ना वो डेवलप हो रही है। अगर उसके घर में कोई, उसकी मम्मी पायलट है तो पायलट की जैसे एक्टिंग करेगा, मतलब कि वो सुबह सुबह में रेडी होना, बैग लेना, फिर जाना, वो सारी चीजें बच्चे करने लगते हैं चाहे कोई भी हो, ठीक है, घर में। तो ये भी हो गया इमिटेशन, इसका मतलब होता है मेमोरी डेवलप हो रही है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, और एक होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाना, जो कि हजार बार पूछा जा चुका है कि ये किस में आता है, फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद से आप इसलिए नहीं होगे क्योंकि मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि आखिर में ये क्या होता है। मान लो ऑब्जेक्ट परमानेंस, एक छोटा सा बच्चा ले लेते हैं, छह महीने का ले लेते हैं, ठीक है। तो आप उसके सामने कोई भी खिलौना रखो, मान लीजिए ये एक टॉय है, ठीक है, आप उसके सामने ऐसे रखो, आप उसको दे दीजिए तो बच्चा खेलेगा, फिर आप तुरंत इसको ऐसे वहां से हटा लीजिए, ऐसे छुपा लीजिए, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो रोएगा भी नहीं, नहीं आपसे मांगेगा। बट इसी स्टेज में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक साल का, 18 महीने का, तो आपने अगर उसके सामने ये रखा है या फिर आपने उसको दिया थोड़ी देर के लिए, फिर आपने उससे ऐसे छीन लिया, तो बच्चा रोने लगता है, क्यों, क्योंकि अब जो है उसके आंखों के सामने से पहले जो चीज़ आप हटा लेते थे तो उसे लगता था कि दुनिया में तो ये चीज़ है ही नहीं, बट जैसे बड़ा हुआ उसको समझ में आया कि नहीं ये चीज़ तो था और यही मुझे चाहिए, चाहे आप उसको दुनिया भर के खिलौने दे दो बट उसको वही पहले वाला ही चाहिए। इसका मतलब कि बच्चे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो डेवलप हो रहा है या हो चुका है। अगर उसके सामने से हटा लिया, बच्चा नहीं रो रहा है, इट मीन्स कि ये डेवलप नहीं हुआ है। बट अगर आपने ये चीज़ भी उसके सामने रखी, उसको दिया और वो इसके लिए रो रहा है, पूरा घर एकदम से उठा लिया, पूरा हल्ला कर रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर ये गुण आ चुका है, तभी तो आपसे मांग रहा है। तो ये चीज हो गई। अब ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर क्या है, ये भी बहुत आसान है। मान लो कि आपके कोई खिलौना आपने लाकर दिया बच्चों को, या फिर आपने कोई सामान रखा है, आपने देखा कि बच्चे ना घुटने के बल ऐसे जैसे भी उनको चलना हो, चलना नहीं या फिर भी वो गिरते पड़ते उस सामान तक पहुंच जाएंगे, उसको लेने लगेंगे। आपने कोई चीज रख दी है ऊंचे, या फिर किचन में आपने किचन में कुछ भी रखा है ऊपर, तो वो खड़े तो नहीं हो सकते हैं बट वो उस चीज को छूना चाहेंगे, भले से उस चीज से उनको जो है चोट लग जाए बट वो उस चीज तक पहुंचना चाहते हैं, उसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। अब यहां पर आपने एक चीज देखा होगा कि अर्धभाषिक, इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चा 0 से 2 साल का है, बहुत छोटा है, आपको ये पता है कि बच्चे इस एज में ज्यादा उतना बोल नहीं पाते हैं, जो भी बोलते भी है तो ज्यादा क्लियर नहीं रहता है, बट हल्की फुल्की जो भी उनकी लैंग्वेज होती है वो घर वाले समझ ही जाते हैं। इसका मतलब बच्चा जो है वो अर्धभाषी है, पूरी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये इसमें थोड़ा बहुत वो बोल लेता है, तो जिसे हम बोलते हैं अर्धभाषी। तो जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लगा दीजिएगा सेंसरी मोटर में अर्धभाषी होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि एज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया है इन्होंने, और इस स्टेज में सेंसरी मोटर नाम ही है, इसका मतलब बच्चा थिंकिंग करता है, कोई भी चीज़ सीखता है वो सब कुछ सेंसेस पे बेस्ड होता है। अभी जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, चाहे इसका दिया हो चाहे खिलौने का दिया हो, आपने एक बार नोटिस तो किया होगा कि ये सारी चीज़ें बच्चा किसके माध्यम से कर रहा है, अपने इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, उसे नहीं पता है कुछ भी बट फिर भी बस उसे लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, अगर इसको पाना है तो चल के, मतलब कि ऐसे गिरते पड़ते भी इस चीज़ तक पहुँच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपका CDP का पूरा जितने भी थ्योरी है सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी एग्जाम से पहले, चाहे आपका CTET हो, UPTET हो, SuperTET हो, तो ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए, पहला तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं प्री ऑपरेशनल, जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फिर भी लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। सबसे पहले इसके ये उम्र याद रखना, ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि एक एक चीज आपसे पूछा जाता है, तो ये है 2 से 7। अब आप सोचो, यहाँ भी प्री ऑपरेशन लिखा है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, साइकोलॉजी में आप ज्यादातर कोशिश करना कि इंग्लिश के टर्म्स आप याद रखो, क्योंकि हिंदी वाली जो चीजें होती है ना वो उसके 10 तरीके की मीनिंग होती है, अलग अलग वर्ड लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये जो इंग्लिश है वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज रहता है।
तो इसको बोलते हैं पुरुष संक्रियात्मक। जैसे मैंने नाम का मतलब बताया, वैसे इसका भी तो कुछ मतलब होगा, तभी तो इसको नाम दिया है। तो आपको पता है कि ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिक, लॉजिक होता है ऑपरेशनल का मतलब, बट प्री लिखा है, प्री का मतलब पहले, लॉजिक मतलब लॉजिक से पहले। इसका मतलब कि इस वाली स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो विकसित नहीं हुई है। आपको मैंने नाम से ही समझा दिया, ऑपरेशनल का मतलब लॉजिक होता है, प्री का मतलब जो है पहले होता है, लॉजिक से पहले। तो लॉजिक से पहले वाली सारी चीजें हैं, तो बच्चा जो है इसमें तर्क जो है वो नहीं लगा सकता है। बट फिर भी इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मैंने लिखा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जो है तर्क देते तो हैं, बट वो तर्क सही नहीं होता है। मतलब कुछ भी उल्टी चीजें तर्क दे देंगे कि अच्छा ये मान लो उसका खिलौना ही है, जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल देती हूँ, वो इसे खेल रहा है, ठीक है, अब ये जो है उसकी वजह से टूटा है, ये खिलौना खेलते खेलते उसने फेंक दिया, तोड़ दिया, बट वो किसी चीज से लड़ा, उससे टूटने की पॉसिबिलिटीज नहीं थी, बट फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा खिलौना जो है उस दीवार से लड़के ही टूटा हुआ है। फिर बाद में वो उस चीज के लिए रोएगा, भी सारी चीजें करेगा, तो वो जो तर्क दे रहा है वो तर्क तो दे रहा है बट वो तर्क सही नहीं है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इस पे हजारों एग्जांपल्स आप ले सकते हो। बस इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब है जो भी बच्चा तर्क दे रहा है वो सही नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लॉजिक से पहले वाले स्टेज में है। दूसरा है इररिवर्सिबिलिटी। अब ये तो हर एक बच्चे में, 2 से 7 साल के बच्चे को आप ऑब्जर्व करना, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा हो तो उसके अंदर ये गुण रहता है। इसका मतलब होता है अपलटावी का गुण। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके घर के आसपास एक पार्क है, तो आप क्या करोगे, ये आपका घर है, यहाँ पे ये पार्क है, आप डेली जो है अपने घर के बच्चे को डेली जो है पार्क में लेकर जाते हैं, ठीक है, आप लेकर जाते हो। एक दिन आपने क्या किया, उसको पार्क में छोड़ दिया, फिर आपने उसे बोला कि तुम घर वापस आ जाना, और सेम रास्ता है, ऐसा भी नहीं कि आप अलग अलग रास्ते से लेकर जा रहे हो। तो बच्चा बोला कि नहीं मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तो उसने बोला क्यों, रास्ता तो सेम ही है ना, घर से आने का और घर से पार्क जाने का, पार्क से घर आने का रास्ता तो सेम है, तो क्यों नहीं आ पाओगे। इट मीन्स कि उसके अंदर जो है इररिवर्सिबिलिटी वाली गुण जो है अभी नहीं आई है। आप उसको अकेले चाहे कहीं भी उसके घर के बगल में जो है, अगर उसके दोस्त के भी घर पे लेकर जाओ, रास्ता सेम हो तो चला तो जाएगा, बट वहां से रिटर्न नहीं आ पाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इररिवर्सिबिलिटी का गुण है अभी बच्चे के अंदर, अभी वो चीजों को रिवर्सिबल नहीं कर सकता है। जैसे कि ऐसे मान लीजिए ये, जैसे कि आप उसको यहां पर लिख दो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, इस चीज को भी बच्चा नहीं समझ पाएगा, भले से यहाँ पे दोनों चीजें सेम लिखा है, बस आपने क्या किया है लेटर को चेंज किया है। तो इसे हम बोलते हैं इररिवर्सिबिलिटी का गुण। अब दूसरा है ईगो सेंट्रिसिज्म। देखिए इसका मतलब मैंने कई बार देखा है कि लोग इसको घमंड से लगाते हैं। छोटा सा तो बच्चा है, 2 से 7 साल का, उसके अंदर क्या ही ईगो होगा, नाम से नहीं जाना है। इसका मतलब होता है अहम केंद्रिता। देखो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि जो चीज मतलब मुझे पसंद है या जो चीज मैं कर रहा हूँ वही बाकी सब लोग भी करते हैं। जैसे कि अगर मुझे डॉल से खेलना पसंद है तो बाकी सभी को भी डॉल से ही खेलना पसंद होगा, अगर मुझे ये आइसक्रीम पसंद है तो बाकी सभी को, मतलब उसकी जो थिंकिंग है अपने लिए, जो उसके खुद के लिए वही बाकी सभी के लिए भी है, उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिसिज्म। इसका सिंपल सा एक मतलब है कि जो चीज मुझे पसंद है वही बाकी सभी को, या फिर जो चीजें मुझे मैं कर रहा हूँ वही बाकी सभी करेंगे। तो ये हो गया। अब एनिमिज्म, ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एनिमिज्म का तो मतलब आसान है, जीववाद। मान लीजिए आप बच्चे को लेकर जा रहे हो, ऐसे ही टहल रहे हो, बच्चे को अचानक से इसे चोट लग गई, ठीक है, अब वो बच्चा रोने लगा और आप जस्ट उसके सामने बस इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर दो तो बच्चा जो है तुरंत रोना बंद कर देता है। आपने देखा भी होगा ऐसा कई बार, क्यों, बच्चे को ऐसा लगता है कि मतलब मुझे इसे चोट लगी है तो अब इसको मार पड़ी है तो अब उसको अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है एनिमिज्म का गुण अभी नहीं आया, उसे नहीं पता है कि ये सजीव है कि निर्जीव है, बस आपने इसको मारा बच्चा तुरंत शांत, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहले इसको मैं समझा देती हूँ। सिंबॉलिक थॉट, आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चों की ड्राइंग में देखते होंगे, अगर आपने बच्चों को छोटे से बच्चे की ड्राइंग की कॉपी में आपने देखा ही होगा, तो बच्चे क्या करते हैं ना, हमेशा कोई भी चीज फिगर बना ले, उसकी दादी है, मान लो उसकी दादी है तो अपनी दादी की फोटो बनाएगा, चाहे ऐसे कैसे ऐसे ही बना देगा, ऐसे नाम लिख देगा, आप उसको बोलो कि वो बनाओ, बनाना बनाओ या फिर मैंगो बनाओ, तो वो कुछ भी ऐसे बना देगा और यहाँ पर लिख देगा मैंगो। इट मीन्स कि बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ गए हैं। आप उसको कोई भी चीज जो उसको उसे पता है वो उसको इमेजेस के माध्यम से उसको सिंबल दे सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, कि मेरे 3 भाई हैं तो वो ऐसे बनाएगा, बस वो ऐसे कर देगा, नाम ले देगा, मान लो उसके भाई का नाम रोहन है, सोहन है, मोहन है, कुछ भी,
क्यों? क्योंकि उसको सिंबॉलिक थॉट करना पता है, उसे बोलते हैं। दूसरे देखिए, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि उसको किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट पता है। जैसे कि मान लीजिए आप घर में हो और अचानक से बारिश हुई, तो आप तुरंत बाहर गए, कपड़े उठाकर लेकर आए, क्योंकि बारिश में गीला हो जाता है, बच्चा ये सारी चीज़ें देख रहा है। नेक्स्ट टाइम से जैसे ही बारिश होगी, वो तुरंत बोलेगा कि देखो मम्मी या दीदी भैया बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बारिश होगी तो कपड़े जो है वो गीले हो जाएंगे। तो बस उसको मतलब पता होता है कि कोई भी चीज़ हो रही है उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, चाहे आप कपड़े का एग्जांपल ले लो, कपड़े सूख रहे हैं, गीले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब इंट्यूशन में क्या हो रहा है? इंट्यूशन का मतलब ये है कि मान लीजिए बच्चे जो हैं इस उम्र में, क्या बच्चे क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं, कोई भी चीज़ होगी, अच्छा ये क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रही है, सारी चीज़ें। तो आपने उनको उनका आंसर दिया, बट बाद में उनको ये पता ही नहीं रहेगा कि ये जो आंसर इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से पता चला है। तो पता तो होगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बट उसका सोर्स उनको नहीं पता होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बेसिकली ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि इसलिए मैंने सोचा लास्ट में समझाऊंगी, जिसे हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन और सेंट्रिसिज्म, ये भी इसी से संबंधित है। अब इसको एग्जांपल से मैं आप समझाना चाहूंगी। मान लीजिए कि ये जो दो ग्लास है, आपको मैं इसको एग्जांपल से समझा रही हूँ। देखिए, आप ऐसा कर भी सकते हो घर में, ये देखो आप सेम जो है सेम साइज के दो ग्लास हैं, आपने क्या किया दोनों ग्लास में सेम पानी रखा है, बच्चे अब बैठा है सामने ही, आप उसके सामने ही एक्टिविटी कर रहे हो कि देखो, आप उसे पूछोगे भी कि इसमें आपने दोनों ग्लास में सेम पानी भरा है। उसके बाद से आप उसके सामने क्या करते हो, इस एक ग्लास का पानी आप क्या करते हो, उसके सामने इस एक ग्लास का पानी आप इसमें ऐसे पलट देते हो उसके सामने। बट उसके बाद से आप पूछोगे ना कि ये बताओ अब किस ग्लास में पानी ज़्यादा है, तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इस ग्लास का पानी इसमें डाला है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक समय पे केवल एक एस्पेक्ट पे ही ध्यान दे पाता है, वो दोनों चीज़ें नहीं देखता है। आपने बोला आपने ऐसे पानी डाला था, तो आप पूछोगे किस में पानी ज़्यादा है, तो वो बोलेगा इस बड़ी वाली ग्लास में। क्यों? क्योंकि बच्चा हाइट को देखता है, वो ये नहीं देख पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इसमें पानी डाला है, तो इसका मतलब ग्लास में भले से बड़ी हो, पानी तो सेम ही है ना, बट वो फिर भी बोलेगा कि नहीं इस ग्लास में पानी ज्यादा है, क्योंकि उसने हाइट पे फोकस किया है। तो इसीलिए बच्चे के अंदर क्या है, सेंट्रिसिज्म है, केंद्रिता है, वो एक टाइम पे एक एस्पेक्ट पे फोकस कर पाएगा, जिसे हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन, जो कि प्री ऑपरेशनल में है। दो ग्लास में पानी सेम है, इस ग्लास का पानी आप बड़े से बर्तन में डालोगे, फिर भी बच्चा यही कहेगा कि इस ग्लास में पानी ज्यादा है, क्योंकि हम वो हाइट को देख रहा है, जो कि ग्लास के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को मैंने आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया है, सो दैट आप कभी भूले ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना। कल इसका हम पार्ट 3 करेंगे, और कल जीन पियाजे का जो चैप्टर है ख़त्म, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जो चीज़ें आई हैं, जो जो चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ मैं कोशिश करूँ कि एक भी चीज़ ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।